काम बोलोगे वो काम करेगा, वो काम करेगा 100%। सभी दर्शकों बता दूं ऐसा कुछ करना भी मत अनजाने में। नमस्कार सभी दर्शकों को, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। आप एक भाई था, उसने मुझे कई सारे कमेंट किए थे, जानना चाह रहा था कच्चे कलुए के बारे में। कच्चा कलुआ और कच्चे कलुए की साधना जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, कच्चा कलुआ है क्या, आज इसके बारे में जानेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं एक बार नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर मताल। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि तारापीठ के महाशमशान में मिलते हैं और यही क्रिया करते हैं, इनके कई सारे आश्रम भी है, आश्रम भी है या तारापीठ में भी है, कामाख्या देवी पे भी है, कई सारे राजरप्पा में भी आश्रम है। तो महाराज जी, मैं आज आपके साथ में एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ, सभी दर्शकों को बता दूं, थोड़ा ध्यान से देखना, बने रहना वीडियो पे, शायद ही ऐसी कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी अभी आज से पहले, क्योंकि जो कच्चा कलुआ है इसकी साधना हर कोई नहीं कर पाता और ना ही इसकी हर कोई जानकारी दे पाता है। मैं आज ऐसी जानकारी दे रहा हूँ कच्चे कलुए के बारे में, अगर किसी ने सिद्ध कर लिया तो जो चाहेगा वो मिल जाएगा उसको कच्चे कलुए से। तो महाराज जी, जो कच्चा कलुए का जो टॉपिक है, मैं जो जनता को बता रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कच्चा कलुआ है क्या? एक बात है, 100% जो है कच्चा कलुआ, जो है 100% है कच्चा कलुआ, एक ब्राह्मण जो होता है ना, ब्राह्मण जो पैताधारी है उसका बेटी का शादी नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट हो गया, कोई लड़का ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, ठीक है, वो कच्चा कलुआ होता है? रुक जाओ, कच्चा कलुआ वो नहीं होता है, प्रेग्नेंट हो गया, उसको बच्चा जो पेट से सोचा है जो शादी करेगा मेरे को, वो बच्चा हम सोचेगा वो मेरा वाइफ हस्बैंड है, ठीक है ना, शादी नहीं किया लेकिन बच्चा तो पैदा करना चाहिए, तो पंच महीना हो गया, पंच महीना मतलब पंचांगुली हो गया, बिना शादी के, मतलब जैसे तुम मैं लड़के हूँ तुम लड़का हो, समझ गया मैं, हाँ बस वैसे ही, वैसे ही कच्चा कलुआ ऑप्शन एक ही है, जो प्रेग्नेंट हो गया क्या बोलेगा तुमको नहीं शादी करेगा, बोला है हमारा पेट में 8 महीना का बच्चा है क्या करेगा, तो उसको जब गिराने के लिए दवाई खाता है मर जाता है बच्चा पेट में, वो बच्चा लेके शमशान में आता है, शमशान में आने का बाद कफन देता है, मैंने गड्ढा करके, हम हिंदी उतना ज्यादा नहीं बोल सकता है, नहीं जब 7-8 महीने का जो बच्चा होता है उसको मोस्टली हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको गाड़ी देते हैं, लेकिन कच्चा कलुआ सब बोलते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन अलग है, जब दिमाग मेरा क्या बोलते हैं आप, कच्चा कलुआ तो है, तो जब कफन कर दिया जो बोला है ना, वो गाड़ दिया, गाड़ दिया, उसके बाद वो कबोर्ड से उठा करके अमावस्या रात चाहिए, अच्छा अमावस्या की रात में, हाँ देखा है अमावस्या रात को उसको वो बच्चा उसको गाड़ दिया, उसको उठा करके जागृत करना है, कैसे जागृत करते हैं उसको, कैसे जागृत करना है उसको, पहले उठाओ, वो भाग गया, हम लोग उठाते, हम लोग कौन भाग गया, बच्चा भाग गया उसमें से निकल के, बच्चा को उठाते हैं हम, अच्छा उठाने का बाद उसको हल्दी लगाते, शान में जो चीता जलते उस तरफ लेके जाते हैं, अच्छा लेके जाने के बाद जो बाश है, बाश का जो छोटा वाला जो लकड़ी होता है हाथ में, 1 फुट का लाठी, लाठी बाश का लाठी 1 फुट दे देगा, अच्छा देने का बाद उसमें एक कलश पानी, एक कलश इतना बड़ा पानी, हाँ पानी, एक कलश पानी मतलब गंगा का पानी चाहिए, अच्छा सादा पानी नहीं, सादा पानी नहीं, गंगा का पानी चाहिए, और एक कलश दूध चाहिए, अच्छा एक कलश पानी एक कलश दूध, दूध पहले हम पानी डालेगा उसको, उसके बाद दूध डालेगा, बाद में उसके बाद उसको वो बात करेगा मेरे से, मंत्र है, मंत्र तो हम नहीं बोलेगा, अच्छा मंत्र नहीं बोलेंगे, नहीं, नहीं, वो तरीका, नहीं, कोई नहीं, वो तरीका बता रहे हैं, वो गुप्त क्रिया है, वो गोचर विद्या है, अच्छा ओगुन तो बहुत है, अगर पंथ में बहुत है, अच्छा वो एक पार्ट बोलते हैं हम दूसरी पार्ट बोलते हैं, अच्छा, जो हम पार्ट जो होता है हमारा पार्ट अलग होता है, अच्छा ऐसे जैसे एक किसी को बोलता है क्या है, इस पे मैं अभी इस पे बात करूंगा, लेकिन जो अभी आपने बताया था दूध और पानी का हल्दी का, वो उसके बाद क्या है फिर, उसके बाद वो कब्र में उसको वही जगह पर जहाँ पर वो गड़ा हुआ था उस पे डाल के उसे बंद करना है, वो खड़ा होकर बात करेगा, उसके बाद बोले जो हमको चाहिए, हम जब बुलाएगा तू मेरा पास आएगा बेटा,
बेटी होगा तो बेटी मेरा पास आएगा, वो बेटी आएगा। अब बेटा होगा तो बोलेगा मेरा पास आएगा बेटा, तो आएगा 100% आएगा। सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि महाराज जी ने बताया, शायद हो सकता है आपकी समझ में ना आए, मैं बता देता हूं थोड़ा सा क्या है। अमावस्या की रात में अगर कोई बच्चा है या वो गिर गया है, जो बिना शादी के प्रेग्नेंट औरत होती है उसका बच्चा गिरा देते हैं, 7-8 महीने का होता है, तो बच्चे को गिराने के बाद जब वो बच्चा होता है तो हिंदू या मुस्लिम वो दफनाया ही जाता है, उसको कोई जलाता नहीं है। अगोरी जो होते हैं, अगोरी को पता चल जाए उस दिन अमावस्या हो अक्षमासी, तो वो क्या करते हैं उस बच्चे को निकालने के बाद उसको लेके जाते हैं शमशान में। शमशान में जाके पहले उसको दूध पानी जो भी इनकी क्रिया होती है उन सब चीज़ों से नहला धुला के उसको जागृत करते हैं, जागृत करके फिर दोबारा से उसको वही गाड़ के आ जाते हैं। जब वो जागृत हो जाता है तो वो इनके पास आ जाता है, फिर ये उनसे काम लेते हैं। किस तरीके काम लेते हैं वो जानेंगे। महाराज जी, जो कच्चे कल्लू से आप काम लेते हो किस तरीके काम लेते हैं? बड़ा ऑप्शन बोल दिया। कच्चे कल्लुआ वो तो कच्चा कलुआ तो हम लोग देते हैं, ए ओए, लेकिन जब उठा के लेके आएगा हल्दी लगा करके जो बोला है ना, उसके जागृत हमको करना है। करने के बाद उसको नहाएगा हम पानी से। अच्छा, उसके पानी से? जो नहीं, वो गंगा पानी जो लेके आया ना, वो कलश वाला पानी से नहाएगा। 5 लीटर दूध से उसको नहाने का बाद दफन कर, पहले उसको नहाएगा, हम बात करेगा बेटा किस लिए क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। वो तो अलग ऑप्शन है, वो जो वो तो बोलना नहीं चाहिए, नहीं अच्छा, तो अच्छा। वही रिकॉर्डिंग अभी लाइव में हम तारापीठ में 30 साल से है। बहुत आदमी बगला का वो ऑप्शन नहीं जानता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कच्चा कलुआ आपने जागृत कर लिया है ना, उसको बात करेंगे मेरे साथ, उसके उस कच्चे कलुए से आप कौन कौन सी क्रिया करते फिर कौन बहुत कुछ बहुत कुछ बताएंगे। हम पहले ही बोल दिया ना, जो हम बोलेगा जो आप बुलाएगा तो आ जाएगा बेटा, जो काम बोलोगे वो काम करेगा, वो काम करेगा 100% का। तो बहुत खतरनाक हो गया, 100% खतरनाक। जो करने का मतलब तो बहुत ही कुछ हो गया, जो करने में तो बहुत कुछ आ गया। देखो मैं एक दिन था गरीब भैया, सभी दर्शकों को बता दूं ऐसा कुछ करना भी मत अनजाने में, कहीं आप उसके शिकार हो जाओ। कच्चा कलुआ जागृत करना कोई आसान नहीं है, है ना। छोटा चीज बता तो आसान दिया है, लेकिन जब इसको करेंगे ना तो पता नहीं क्या होगा। बाकी का जो कच्चे कलुए से काम लिया जाता है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैं काम नहीं बताऊंगा और ना ही महाराज जी बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है अगर बोलेंगे तो शायद हो सकता है ये सोशल मीडिया है, कुछ भी हो जाए, है ना। लेकिन आप समझ जाओ कुछ भी का मतलब कुछ भी है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, और ये देख सकते हैं महाराज जी के पास में ये बहुत सारी हड्डियाँ, इनसे इलाज करते हैं। अभी जो एक मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले, उसमें दिखाया था कि एक महिला के ऊपर बूटता, उस महिला की जो क्रिया होंगी वो शायद इससे करने वाले हैं, देखेंगे किस तरीके की क्रिया होंगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कोई सवाल है हमें बताएं कमेंट करके, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ, उस पर वीडियो बना पाऊँ। ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, भक्ति अमर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।